हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फुल वे रेक्टिफायर। जैसे कि आपने देखा होगा एसी टू डीसी बदलने में हमारे को डायोड का यूज करना पड़ता है, उसी तरीके से आज हम इस वीडियो में फुल वे रेक्टिफायर बनाएंगे जिसमें हमारे को दो डायोड, एक कंडेंसर और एक रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। रेजिस्टेंस के लिए हम बल्ब का यूज करेंगे और डायोड के लिए एक ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे जो स्टेप स्टेप डाउन रहेगा। पहले मैं आपको बता दूं, ये डायोड इस तरीके का होता है, इस पोर्शन को एनोड कहते हैं और इस टाइप को कैथोड कहते हैं। और एक जानकारी के लिए, जहां सिल्वर लाइन है इस एरिया को कैथोड कहते हैं। और डायोड को कभी भी आप चेक करना रहा तो इस तरह से चेक करें, पहले मल्टीमीटर को आप डायोड में सिलेक्ट कर लें। डायोड में सिलेक्ट करने के बाद में फिर आप इस तरह से डायोड की पॉजिटिव लीड इस ओर लगाएंगे प्रोब को और नेगेटिव को इस ओर। तो ये आपके देखो जिस तरह से डायोड की वैल्यू आ रही है 534 के लगभग इसकी वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव तरफ देखेंगे तो ये कुछ भी वैल्यू आ रही नहीं है, ये कुछ भी नहीं वैल्यू आ रही, तो ये हमारा डायोड ओके है। इसी तरह से ये जैसे ये भी एक हमारा डायोड है, लेकिन ये हैवी डायोड है, जहां पर हमारे को किलो वाट में डीसी सप्लाई की जरूरत रहती है वहां यूज करते हो। डायोड का सिम्बॉल इस टाइप का होता है, ये हमारा डायोड का सिम्बॉल है। अभी हम इसको भी चेक करके दिखाएंगे। जैसे ये एनोड है और ये कैथोड है, ये देखिए ये भी हमारे को 415 के लगभग वैल्यू दे रहा है वन साइड, और सेकंड साइड नहीं दे रहा है, तो ये हमारा डायोड ओके है। डायोड को कभी भी फॉरवर्ड बायस कहते हैं, यानी कि ये एक ही दिशा में सप्लाई देता है, ये पॉजिटिव साइकिल को पास करता है और नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे भारत देश में फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया की 50 हर्ट्ज है, ये 50 हर्ट्ज की साइकिल इस तरह से बनती है, लेकिन जब इसमें एक ऐसा डायोड लग जाता है तो डायोड लगने के बाद में ये साइकिल इस तरह से बनती है, लेकिन यह फुल वे साइकिल इसलिए बन रही है, एक बार ये डायोड काम करता है और एक बार ये डायोड काम करता है, क्योंकि इसे हम फुल वे रेक्टिफायर डायोड कह रहे हैं, यानी कि दोनों साइकिल बनेगी। अगर हाफ वे रेक्टिफायर डायोड रहता तो एक साइकिल नहीं बनती। जब ये 50 हर्ट्ज साइकिल इसमें जाती है तो ये साइकिल बनती है, और सेकंड टाइम में जब नेगेटिव साइकिल जाती है तो उसको वो ब्लॉक कर देता है और पॉजिटिव साइकिल को पास कर देता है। जब इसमें साइकिल जाती है तो ये साइकिल बनती है, इसीलिए इस तरह से फुल वे साइकिल बनते रहती है, इसीलिए हम फुल वे डायोड रेक्टिफायर कहते हैं। और यह नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक करता है और पॉजिटिव साइकिल को पास करता है। और इसी तरह से मैं एक आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के जरिए। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर हमारा 0 to 230 वोल्ट सप्लाई हमने ऑलरेडी जोड़ दी है, और इस साइड में आप देखोगे कि ये हम 12 वोल्ट, 0 वोल्ट और 12 वोल्ट दिया है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का डायोड रेक्टिफायर बनाने का प्रोसेस है। ये जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं, 0 वोल्ट से हमारे को नेगेटिव मिल जाएगा, और जहां 12 वोल्ट सप्लाई मिल रही है वहां से हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो हमने 12 वोल्ट पर एक डायोड जोड़ दिया है और इधर भी 12 वोल्ट पर डायोड जोड़ दिया, और ये डायोड को आपस में लिंक कर दिया है, तो ये हमारा टोटल 12 वोल्ट हो गया और ये नेगेटिव हो गया, जैसे कि इस ड्राइंग में आप देख रहे हो। और ये हमने एक कंडेंसर लगा दिया है, ये 1000 माइक्रोफेरेड और 25 वोल्ट का है। ये कंडेंसर इसलिए लगाया जाता है ताकि इसमें जब भी रिफल्स निकले, यानी कि जो फ्लक्चुएशन होता है डीसी का, तो उसको रिफल को वो नॉर्मल कर देता है यह कंडेंसर। और ये हमने एक लोड लगा दिया रेजिस्टेंस, जैसे कि आपको इसमें हमने ड्राइंग में दिखाया है लोड लगा है, और इस साइड हमारे को यहां से 12 वोल्ट सप्लाई देने पर हमारे को यहां डीसी 12 वोल्ट मिलेंगी। तो अभी हम आपको प्रैक्टिकल के जरिए दिखाएंगे। अभी पहले आपके मल्टीमीटर को आप एसी में सिलेक्ट कर ले, ये देखिए ये हमारा ऑन हो गया है रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर के थ्रू, ये हमारी स्टेप डाउन हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारी 12, ये देखो हमें 12 वोल्ट एसी, 13 वोल्ट के लगभग एसी सप्लाई मिल रही है, और इधर भी 12.46 और यहां पे 12.46, ये हमारे को एसी सप्लाई इस तरफ मिल रही है, जैसे हमने ड्राइंग में देखा है कि एसी मिल रही है। अब हम डीसी सप्लाई को देखेंगे कि हमारे को डीसी कितनी वोल्ट मिल रही है आउटपुट में। तो ये हमने अब डीसी में हमारे मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर लिया है, और अब हम इसको डीसी सप्लाई देखेंगे। डीसी सप्लाई लगाते हुए ध्यान दें कि आपकी पॉजिटिव लीड पॉजिटिव तरफ रहना चाहिए और नेगेटिव नेगेटिव तरफ। तो हमारे को डीसी भी 12 वोल्ट के लगभग मिल रही है, यानी हमारा रेक्टिफायर सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गया है। हमारे को एसी 12 वोल्ट इस साइड मिल रही है और डीसी इस साइड 12 वोल्ट मिल रही है, और ये ब्रिज रेक्टिफायर दो डायोड के साथ कम्प्लीट हुआ। इसे हम फुल वे
रेक्टिफायर कहते हैं, इस तरह से होता है। लगाने के पहले सावधानी विशेष ध्यान दें, कंडेंसर का जो नेगेटिव सिरा है नेगेटिव पे लगाएं, अगर वो पॉजिटिव पे लगाएंगे तो कंडेंसर हिट होगा और थोड़ी देर में ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए कभी भी आप इसमें कंडेंसर यूज करें उसका नेगेटिव सिरा नेगेटिव और ले और पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ ले। यह हमारा फुल वे रेक्टिफायर इस तरह से पूरा कंप्लीट होता है। ये विथ प्रैक्टिकल आपको दिखाया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।